Hello friends, now we will continue with rotational motion in this lesson and we will do few more questions based on them. And the topics which we will be covering mainly will be conservation of angular momentum and rolling. Now these topics are a little complicated and these are mainly application part of all the basic concepts of rotational motion. So we will be doing mainly those varieties which I really think are very important from examination point of view. So watch this lesson to know the important numerical varieties in this topic. Thanks. Now, firstly, children, मैंने पिछले लेसन में भी ये कहा था that rotational motion में सबसे ज्यादा क्वेश्चन directly NCERT की एक्सरसाइज से आए हुए हैं. So, I have made this lesson according to the exercise of NCERT's rotational motion, okay? But I have modified those questions slightly ताकि आपको थोड़ा ज्यादा competition वाला feel मिल सके, okay? So, all the questions I will be discussing in this lesson are going to be very important for you from exam point of view, from NEET point of view specifically, because these questions are straight from NCERT with some slight modifications. And जहां तक मैंने pattern observe किया है कि इस तरह के questions आने की expectations बहुत ज्यादा हैं मेरे हिसाब से. So I hope कि आप जो भी 4-5 questions मैं इस lesson में discuss करने वाला हूँ उन्हें आप solve करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इनको solve कर पाते हैं then it's well and good and I think you are good to go in rotational motion. अगर इनमें से कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे और आपको लग रहा है कि वहां पे आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी वीक है, देन ट्राई टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. अपने नोट्स वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई वोंट टेल कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है मेनली, ठीक है? आपको खुद गेस करना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा. सो द क्वेश्चन इज कि एक चाइल्ड है जो कि एक टर्न टेबल पे खड़ा है और उसके आर्म स्ट्रेच्ड है, उस समय उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है, वो कितने से रोटेट कर रहा है दी हुई है. नाउ चाइल्ड ने अपने आर्म फोल्ड कर लिए वापस और उसकी वजह से देखा गया कि सिस्टम जो है वो 60 आरपीएम पे रोटेट करने लगा. पहले वो 40 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था. ओके, तो चाइल्ड ने अपने आर्म्स को फोल्ड करने में कितना वर्क किया होगा, हमें वो वर्क निकालना है. ओके, एंड यू हैव टू इग्नोर एनी वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस और द टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, एनीथिंग. नाउ दीज आर योर ऑप्शंस, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. पहली बात बच्चों की ये तो श्योर है कि चाइल्ड ने अपने हाथ को वापस लाने में कुछ वर्क किया होगा, राइट? नाउ इफ यू विल थिंक अबाउट इट कि तो फ्रिक्शन का अगर टॉर्क हम यहां पे इग्नोर कर रहे हैं, विच मींस कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, और अगर चाइल्ड अपने हैंड्स को फोल्ड बैक कर रहा है मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रही होगी तो उसी की वजह से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ओमेगा बढ़ रहा होगा. ओके, सो वी कैन इक्वेट आई ओमेगा इन बोथ केसेस. नाउ सेकेंड थिंग विच इज Perhaps more important is कि हम अगर I और omega दोनों को दोनों जानते हैं तो हम kinetic energy निकाल सकते हैं, and work done is always going to be equal to change in kinetic energy. So the basic thing you have to do is to find initial kinetic energy of the rotating system, the final kinetic energy of the rotating system, and work done is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, so initially हमें I पता है, omega पता है, उसको हमने SI units में convert कर लिया, and kinetic energy is going to be half I omega square. ओके, नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई फाइनल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल. हमने आई फाइनल की वैल्यू निकाली 20/3 केजी मीटर स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ इनटू आई इनटू ओमेगा स्क्वायर. दैट गॉट आउट टू बी दिस. सो वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. हमने दिस माइनस दिस किया, सॉल्व करके कुछ इतना आ गया. पाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ऑलमोस्ट 10 के इक्वल होती है, उसे पुट करोगे आप, आंसर आ जाएगा 44 जूल्स. सो दैट इज द वर्क डन बाय द चाइल्ड. नाउ यहां पे आपको ये सब समझना है कि आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो और एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो. ओके, एंड जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के साथ साथ आप एल स्क्वायर बाय 2i भी लिख सकते हो, सो रिमेंबर दैट आल्सो. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बुलेट है जिसकी मास 10 ग्राम्स है एंड उसकी स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, एंड वो एक डोर को हिट करती है, उस डोर के डायमेंशन और मास दे रखे हैं. नाउ दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड एट द सेंटर ऑफ द डोर. ओके, एंड हमें यह अज्यूम करना है कि वो विदाउट एनी फ्रिक्शन अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रहा था. तो हमें बताना है कि बुलेट जैसे ही एम्बेड हुई वैसे ही डोर की एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी. नाउ दिस इज क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड बिलीव मी मेनी क्वेश्चन हैव बीन टेकन स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एंड दिस माइट बी वन ऑफ देम इन दिस ईयर. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड एनसीईआरटी में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं गाइज, खासकर इस चैप्टर पे. तो डोंट टेक इट इन दिस वे कि एनसीईआरटी है तो
शायद अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा. एनसीईआरटी है तो अच्छा हो ना हो, डिफिकल्ट हो या इजी हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एनसीईआरटी है तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ सो दीज आर योर ऑप्शंस, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो मेनली अगर आप एंड के अबाउट सोचोगे तो हिंज के जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा. सो इफ वी विल कंसिडर डोर प्लस बुलेट एज अवर कंबाइंड सिस्टम देन वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंटायर सिस्टम अबाउट द एक्सिस बिकॉज हिंज फोर्सेस का टॉर्क जीरो यानी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो और जब भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होती है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है. ओके, सो बुलेट के हिट करने से पहले हम टोटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, बुलेट के हिट करने के बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. ओके, नाउ इनिशियली बुलेट की तो एंगुलर मोमेंटम कुछ होगी बट डोर की जीरो होगी क्योंकि डोर तो मूव ही नहीं कर रहा, इट हैज एट रेस्ट. नाउ बुलेट की होगी उसकी मोमेंटम एम वी इनटू वो सेंटर पे हिट करने वाला था, राइट? सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू बी एल बाई टू, सो एम वी एल बाई टू. नाउ आफ्टर एम्बेडिंग बुलेट उसके अंदर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डोर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बुलेट इनटू जितने एंगुलर स्पीड से वो घूमने लगा ओमेगा. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा. नाउ एज यू कैन गेस कि यार मास ऑफ डोर जो है 12 kg है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, तो बुलेट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको तो इग्नोर मार ही सकते हैं, है ना? सो बुलेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इग्नोर कर दिया एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम के अमाउंट भी एमएल स्क्वायर बाई 3 इनटू ओमेगा. एंड यहां पे ध्यान रखना है गाइज कि एमएल स्क्वायर बाई 3 लिखना है बिकॉज हम डोर के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उसके बायसेक्टर के अबाउट नहीं. ओके, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस, वी पुट आउट ऑल द वैल्यूज एंड वी गॉट ओमेगा टू बी 0.625 रेडियंस पर सेकंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रोलिंग मेनली एंड रोलिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नीट में नहीं आते बट पिछले साल जहां तक मुझे याद है एक भी क्वेश्चन रोलिंग से नहीं आया था, सो आई थिंक इस साल आ सकता है एंड एवरी अल्टरनेट ईयर रोलिंग से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है बट रोलिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, दोज आर मेनली ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोलिंग एंड रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन. ओके, तो हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन रोलिंग इज दैट एक सिलेंडर है जिसकी मास और रेडियस दी हुई है एंड इट इज रोलिंग परफेक्टली मीन्स इट इज इन प्योर रोलिंग ऑन ए प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 degrees. प्लेन की म्यूएस म्यू के दे रखी है तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा सिलेंडर पे. सो दैट्स योर क्वेश्चन. सो ट्राई टू थिंक कि फ्रिक्शन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन एंड ऑल दैट एंड दीज आर योर ऑप्शंस. लेट्स सी द सॉल्यूशन नाउ. सो नाउ रोलिंग इज प्योर, कहने का मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो पॉइंट टच कर रहा है सरफेस को, यहां वाला बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट, वो हमेशा रेस्ट पे, राइट? एंड इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, काइनेटिक नहीं, बिकॉज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का. सो स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी एक्ट करता है बच्चों तो फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन नहीं होता, म्यू एस इंटू एन से कम हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है एंड दैट डिपेंड्स कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है. जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तब तो फ्रिक्शन पक्का म्यू के इंटू एन होता है बट जब स्टैटिक होता है देन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट? सो हम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन या म्यू के एन से नहीं निकाल सकते, हमें निकालना है मेनली कि रिक्वायरमेंट बेस्ड, कि फ्रिक्शन की रियल में रिक्वायरमेंट कितनी है टू इंश्योर प्योर रोलिंग ताकि रिलेटिव मोशन जीरो हो सके. नाउ वी नो कि इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा बाई 1 + i / mr². अगर आपको यह फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज आप याद कर लो. ओके, बिकॉज दिस इज डैम इंपॉर्टेंट. नाउ ए जी साइन थीटा बाई 1 + i / mr² में हमने आई ऑफ सिलेंडर रखा mr² / 2, आर स्क्वायर और एम सारे कैंसिल हो गए, दिस गॉट आउट टू बी 1/2. सो हमने सारी वैल्यूज रखी एंड वी गॉट एक्सेलरेशन टू बी g/3, राइट? सो अगर इस बॉडी के हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास g/3 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और उस पर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, नीचे mg sin थीटा विच इज mg/2 और ऊपर एक फ्रिक्शन. सो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास. mg sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma. हमने सारी वैल्यूज पुट की, f गॉट आउट टू बी 50/3 N विच इज ऑलमोस्ट 16.6 N. सो दैट्स योर आंसर. तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, ये नहीं निकालना कि फ्रिक्शन का लिमिट कितना है. ओके, एंड आप चेक करना चाहते हो कि ये रोलिंग प्योर हो सकता है या नहीं तो आप ये भी देख लो कि म्यू एस एन की वैल्यू कितनी आ रही है विद द डाटा गिवन एंड अगर ये म्यू एस एन इस रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा है देन इट मींस कि ये प्योर रोलिंग कर पा रहा है. अगर ये म्यू एस एन इस रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होता मतलब फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट इनफ टू इंश्योर प्योर रोलिंग, तब फिर केस बिल्कुल अलग हो जाता. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, कि एक बॉडी है सपोज रिंग है डिस्क है व्हाटएवर और उसको प्योर रोटेशन में सेट कर दिया गया घुमाकर और बिल्कुल प्यार से इस सरफेस के ऊपर रख दिया गया घूमता हुआ ही, तो हमें यह बताना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, कब क्या क्या होगी एंड दीज आर योर ऑप्शंस. ओके, नाउ ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, सो इस बॉडी को शुरू में क्लॉकवाइज घुमाकर छोड़ दिया गया और उसे कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं दी है, राइट? सो इनिशियली द बॉडी इज इन प्योर रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर.
वी कैन से दैट राइट. तो जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा विच इज अ पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा ओमेगा इंटू आर से. और जब बॉटम मोस्ट पॉइंट का या कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी या मोशन लेफ्ट की तरफ है तो उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो राइट की तरफ करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन और कैनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन. सो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जब मोशन लेफ्ट की तरफ है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा या राइट की तरफ होगा. नाउ फ्रिक्शन राइट की तरफ अगर है तो इसके सेंटर ऑफ मास पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो राइट की तरफ होगा, यानी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या राइट की तरफ होगी, कहने का मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होगी, है ना. मगर ओमेगा क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, विच मीन्स कि टॉर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड टॉर्क नेगेटिव तो अल्फा भी नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव तो ओमेगा घट रहा होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वी विल बी इंक्रीजिंग एंड एट द सेम टाइम ओमेगा विल बी डिक्रीजिंग. नाउ कभी ना कभी v बढ़ता जा रहा है ओमेगा घटता जा रहा है, कभी ना कभी ऐसा तो जरूर होगा कि v जो है वो ओमेगा r के इक्वल हो जाएगा. और जब ये होगा उस समय प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और बॉडी प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी. नाउ बच्चों जैसे ही प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ग्राउंड जीरो हो गया. और जब रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी. कहने का मतलब ये हुआ कि पहले फ्रिक्शन टूवर्ड्स राइट या फॉरवर्ड लग रहा होगा एंड आफ्टर अ वाइल जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी जो कभी ना कभी होगी तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी. नाउ यहाँ पे दो और वेराइटीज है बच्चों छोटी छोटी जो आपको समझनी है. पहली चीज ये कि इस बॉडी को कितना टाइम लगेगा प्योर रोलिंग स्टार्ट करने में. उसके लिए आप ये कर सकते हो कि वी इजगल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन यहां से लिख ली, ओमेगा इजगल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी की इक्वेशन यहां से लिख दी और वी इजगल टू ओमेगा आर पुट कर दिया, टाइम निकाल लिया. नाउ टाइम एग्जैक्टली निकालने के क्वेश्चंस आप में कमी आएंगे, मगर बस आप ये समझ लो कि जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही वही है कि आप चेंज को कितना ज्यादा रेजिस्ट कर पा रहे हो, राइट. सो इफ वी हैव अ रिंग एंड अ डिस्क ओके ऑफ सेम मास एंड सेम एवरीथिंग, तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो एमआर स्क्वायर होती है, डिस्क एमआर स्क्वायर बाय 2 होती है. सो रिंग जो है वो स्लोली चेंज होगा, यानी कि रिंग को प्योर रोलिंग में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्क को प्योर रोलिंग में कन्वर्ट होने में कम टाइम लगेगा. ओके सो रिमेंबर दैट थिंग. नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन रोटेशनल मोशन एंड दैट दिस विल एंड द टॉपिक. नाउ द क्वेश्चन इज कि एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास बट उसका हाफ प्लेन सफिशिएंटली रफ है और हाफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ है. एक रिंग को ऊपर छोड़ दिया गया तो बताना है कि जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो उस समय उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा. ओके दैट्स योर क्वेश्चन, दीज आर योर ऑप्शंस. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन बट ट्राई इट फर्स्ट ऑन योर ओन. नाउ सबसे पहले मान लेते हैं हम कि ए से बी तक रिंग प्लेन जो है वो फ्रिक्शन वाला है और बी से सी तक वो स्मूथ है. ओके और इस ए से बी वाली हाइट को भी एच मान लिया, बी से सी वाली हाइट को भी एच मान लिया, क्योंकि हाइट्स ऑफ कोर्स सेम होंगी जब हाफ हाफ है तो, राइट. नाउ ए से बी में सफिशिएंटली रफ का मतलब बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है और प्योर रोलिंग के केस में हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज वी बाई आर, क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होती है, राइट. एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गए एंड रेशियो आ गया 1:1. तो अच्छा बच्चों देखो यहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच थी बी के कंपेरेटिवली, यानी ए से बी तक जब वो आया तो उसने एमजीएच के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी लूज की होती और वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, बट काइनेटिक एनर्जी का एक पोर्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में गया होगा और एक पोर्शन ट्रांसलेशनल में, राइट. एंड द रेशियो इज 1:1. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल आ रहे होंगे, सो दोनों एमजीएच बाई 2 एमजीएच बाई 2 आ रहे होंगे बिकॉज टोटल लॉस इज एमजीएच विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू टोटल काइनेटिक एनर्जी. ओके सो बी पे जाने के बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एमजीएच बाई 2 हो गई और ट्रांसलेशन भी एमजीएच बाई 2 हो गई. नाउ बी से सी जो सर्फेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के सॉरी फ्रिक्शन नहीं है तो कोई टॉर्क ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और जब टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है मतलब ओमेगा में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब बॉडी के ओमेगा में चेंज नहीं हो रहा कहने का मतलब उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. सो फ्रॉम बी टू सी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम एमजीएच बाई 2. नाउ लेकिन बी से सी में काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, जब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब एमजीएच घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी एमजीएच बढ़ेगी, मगर उसका कोई भी पोर्शन रोटेशनल में नहीं जा रहा था, मतलब सारा का सारा कहां जा रहा है ट्रांसलेशनल में. सो बी से सी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ी है एमजीएच से, वो पहले से कितनी थी एमजीएच बाई 2. सो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच्ड सी इज एमजीएच बाई 2 प्लस एमजीएच व्हिच इज 3 एमजीएच बाई 2. सो द रेशियो इज गोइंग टू बी एमजीएच बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 एमजीएच बाई 2 व्हिच इज 1:3. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. Now this answer will come out to be different for rings, discs and all. Okay, so I have told you all important
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी फॉर दिस ईयर इन रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, सो आई कांट डील विद ऑल वैरायटीज, बट दीज आर गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट गाइज प्लीज. थैंक्स.